हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जिस तरीके से आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि गर्मियों में एडेनियम के अंदर फर्टिलाइजर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो साथियों गर्मियों में एडेनियम को फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, और खास तौर से रासायनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। लगभग अब 2 महीने तक कोई फर्टिलाइजर एडेनियम को नहीं देंगे, जब तक बारिशें नहीं होती हैं। और बारिश के महीने से हम जब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे या 2-4 दिन लगातार बारिश हो, उस पीरियड में आप एडेनियम को फर्टिलाइजर दे सकते हैं, वरना इसमें रासायनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और किस तरीके से दें, अगर कोई फर्टिलाइजर देना है तो किस तरीके से दें, तो उसको स्प्रे के तौर पे आप 1-2 फर्टिलाइजर जो हम आपको अभी बताएंगे वो दे सकते हैं स्प्रे के तौर पे, और वो भी छांव के अंदर रख के, यानी शेड के अंदर रखें एडेनियम को, और उसके बाद में उसमें फर्टिलाइजर दें। तो दोस्तों, गर्मियों में फर्टिलाइजर किस लिए नहीं दिया जाता है कि गर्मी में काफी जो है गर्मी पड़ती है, और उसमें जो सॉइल होती है और जो सॉइल में हीट होती है तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे रूट रोट होने का खतरा बढ़ जाता है, और ये कॉटेज जो है वो येलो पीले होने लगते हैं और पिलपिले होने लगते हैं, कॉटेज सिकड़ने लगता है, लीफ मुड़ने लगते हैं, ये सब प्रक्रिया इसके अंदर होने लगती है। ऊपर से हम गर्म फर्टिलाइजर दे देंगे तो और हीट पकड़ लेगा और रूट रोट हो जाएगा आपका एडेनियम। तो क्योंकि सॉइल के अंदर भी जो जमीन में सॉइल होती है, जमीन की सॉइल जो होती है, इसमें जंगली बेशुमार प्लांट जमते रहते हैं, तो सॉइल के अंदर भी जो है वो काफी गर्मी होती है, उस बेस पे ही वो पौधे ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर रासायनिक हो या क्या नाम उसका लिक्विड फर्टिलाइजर हो, सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब गर्म होते हैं, और कोई ठंडी खाद किसी किस्म की होती नहीं है, क्योंकि जमीन जो सादी जमीन है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स सब जिंदा होते हैं, और सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर गर्मी होती है। जब तक, क्योंकि हमारी बॉडी को भी 100 के ऊपर टेम्परेचर चाहिए होता है, और 104 वगैरह 105 106 हो जाता है तो उसको बुखार जैसे कहने लगते हैं। तो इसी तरीके से 100 टेम्परेचर तो हर प्लांट को चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को 100 के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है, इसी तरीके से सॉइल में प्लांट को भी इतना जो है टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे पौधा ग्रोथ करता है। तो किसी किस्म की फर्टिलाइजर ठंडी नहीं होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गर्म होते हैं, क्योंकि सब जिंदा होते हैं, और जिंदा चीज जो होती है उसको टेम्परेचर 100 डिग्री चाहिए होता है, 100 डिग्री के आसपास जो भी हो, बहरहाल 100 डिग्री के आसपास उनको टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी बेस पे जो प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं, चाहे वो जमीन के प्लांट हों और चाहे पोट के प्लांट हों। तो अगर हमने इसको फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा दे दिया, जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर देते हैं, ये बहुत ज्यादा हीट होते हैं, गर्म होते हैं, और इनकी वजह से हमारे एडेनियम में एक्स्ट्रा गर्मी पैदा हो जाती है, और उससे रूट रोट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कभी भी गर्मी के अंदर ज्यादा हीट जब पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, ऐसे टाइम पे जो गर्म फर्टिलाइजर हैं रासायनिक, वो हम बिल्कुल ना दें। लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जैसे आपका किचन वेस्ट है उसका फर्टिलाइजर भी छान के और उसमें फंगिसाइड मिला लें, और फिर उसको ही उसके अंदर डालें। और दूसरी बात यह है कि जो बनाना पील वगैरह हैं, ये भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन ये सारे अब एडेनियम को आप धूप में बिल्कुल ना रखें, और जहां तक हो जिसके खुले धूप में रखे हैं वो उसके ऊपर ग्रीन शेड डालें, या फिर उनको किसी खुली जगह पर छांव के अंदर रखें, जैसे बरांडा वगैरह है उसके अंदर रख दें, और या किसी पेड़ के अंदर रख दें। इस तरीके से आप अपने एडेनियम को सेव करें, और वहां पर उसको जब ठंडा मौसम रहेगा, 24 घंटे छांव रहेगी, और उसमें अगर आप रासायनिक फर्टिलाइजर का स्प्रे करें तो ज्यादा बेहतर है, और वो बहुत ज्यादा फायदा भी करेगा, और आपका एडेनियम बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, और वहां फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो जिस तरीके से हमने, जैसे कि हमारी ममती है उसके अंदर दोनों साइड में क्रॉसिंग है, और वहां मैं इन प्लांटों को रख देता हूं, और उसमें हम जो स्प्रे बोतल है, स्प्रे बोतल में हम फर्टिलाइजर डाल के, और जैसे कि हमने ह्यूमिक एसिड डाल दिया कभी, और कभी हमने उसमें एक्सम सोल्ट डाल दिया, तो कभी एनपीके 90-90 डाल दिया, इस तरीके से डाल के, और वो 8 में 10 में हम
क्या नाम उसका स्प्रे के तौर पर हम दे सकते हैं, तो उस वजह से हमारा एडेनियम जो है वो अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा और अच्छी फ्लोवरिंग भी करता रहेगा। शेड में भी फ्लोवरिंग होती रहती है, जिस तरीके से पॉली हाउस के अंदर आप देखिए सालों साल फ्लोवरिंग होती है एडेनियम की, क्योंकि ऊपर से धूप बिल्कुल नहीं है उसमें और वहां का टेम्परेचर है वो नॉर्मल वो करके रखते हैं प्लांट के हिसाब से, तो इस हिसाब से वहां सारे प्लांट अच्छी ग्रो करते रहते हैं और आपका प्लांट जो है फ्लोवरिंग भी करता रहता है। तो ये वजह होती है कि आपको इतनी चिलचिलाती धूप में आप अपने एडेनियम को ना रखें, और ये कॉटेज जो हैं ये इनको धूप नहीं लगनी चाहिए, चिलचिलाती धूप इसको ना लगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और जलने के बाद में ये रूट रूट हो जाते हैं। तो ये अक्सर एडेनियम में हमने पहले भी देखा, जब हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं था एडेनियम का, लेकिन वो धीरे धीरे जब हमारे साथ खुद होता रहा तो उसका तजुर्बा भी होता रहा। अब हम एडेनियम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं तो इसलिए आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। साथियों, जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देते हैं एडेनियम की खास तौर से, तो वो बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल तजुर्बे से भरी हुई होती है, और इसी बेस पे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि एडेनियम की केयर किस तरीके से करी जाए। और हम इस तरीके से लोगों को झूठी सच्ची वीडियो बनाकर नहीं डालते हैं या लोगों की देख के, हम अपने तजुर्बे की ही वीडियो जो डालते हैं बनाकर, और उससे लोगों को फायदा भी पहुंचता है और हमारा भी तजुर्बा इस तरीके का हो गया है कि हम उसमें से देखते रहते हैं कि हमारा प्लांट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो उसकी एक एक नस से हम वाकिफ हैं। और ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जिसमें एडेनियम की केयर ना करनी पड़े, चाहे सर्दी हो तो भी आपका एडेनियम जो है डोरमेंसी में अगर आपने पानी वगैरह डाल दिया और लीफ नहीं है उसके अंदर तो भी एडेनियम गल जाता है, बरसातों में ज्यादा एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो एडेनियम गलने लगता है, और गर्मियों में ये कॉटेज जो है ये बर्न होने लगते हैं और उसकी बेस पे भी एडेनियम गल जाता है। तो ये तीनों मौसम में एडेनियम की जो है वो नुकसानदेह है, और ये जंगली जंगली जो प्लांट होते हैं वो उस मौसम के जो है वो आदि हो जाते हैं, इस वजह से उनको कुछ नहीं होता है, और कहीं कहीं कई बार बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है तो वहां के प्लांट भी सूख जाते हैं, जमीन के अंदर के भी प्लांट सूख जाते हैं, क्योंकि सूखा पड़ गया है, 6 महीने पता लगा बारिश नहीं हुई तो वो प्लांट में किसी ने पानी नहीं डाला और वो सूख गया। तो इस तरीके से हमें केयर तो हर हालत में करनी है, चाहे गर्मी हो या बरसात हो या आपका सर्दी हो, तीनों मौसम में एडेनियम की केयर करनी है, सिर्फ देखभाल करनी है। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट है लेकिन उतना ही नाजुक भी है कि अगर हमने इसके मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दिया तो ये फौरन मर जाता है, क्योंकि इसके जो कॉटेज है इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, लकड़ी नहीं होती है, इस बेस पानी होता है, वो हर तरीके से नुकसान देता है इसकी वजह से गूदा होता है। जब तक एडेनियम आपका 20-25 साल से ऊपर का जब निकल जाता है तो उसमें हड्डी बनने लगती है और वो धीरे धीरे बहुत हार्डी हड्डी बन जाती है। तो पुराने एडेनियम को नुकसान कम देता है ये मौसम, पुराना एडेनियम आप धूप में भी रखें और बरसात में भी रखें और सर्दियों में भी, कोई किसी किस्म का जल्दी आसानी से नुकसान पुराने एडेनियम में जो 20-25 साल से पुराने एडेनियम हैं उनको नुकसान नहीं होता है। और ये जो छोटे एडेनियम होते हैं 1-2 साल 4 साल 5 साल तक के, ये ज़्यादातर जो हैं वो मरते हैं और इन्हीं को बर्दाश्त नहीं होता है, वो ज़रा इनकी मर्जी के खिलाफ अगर टेम्परेचर हो गया या एक्स्ट्रा पानी हो गया तो ये अक्सर मर जाते हैं। तो साथियों, इस तरीके से अपने एडेनियम की चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो उसमें आप अपने एडेनियम की केयर करें, और इस मौसम में एडेनियम को या तो आप शेड डाल दें ऊपर से और नहीं तो कहीं छांव के अंदर रखें। और एक काम और कर सकते हैं, अगर आपने धूप में रखना है, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जो शेड हम डाल सकें या हम शेड में रख सकें, तो वो क्या काम कर सकते हैं कि इसके इतने कॉटेज को, इस साइज के कॉटेज के हिस्से को आप मल्चिंग कर दें किसी भी चीज से, आपके पास किसी किस्म का मल्चिंग का सामान हो उससे आप मल्चिंग कर दें, और वो जब ढक जाएगा कॉटेज तो उसको हीट डायरेक्टली नहीं लगेगी और इस वजह से आपका एडेनियम सही चलता रहेगा। इन ब्रांचों में और लीफ में अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए इनको ज्यादा नुकसान नहीं देगा, सिर्फ नुकसान देता है तो कॉटेज को देता है, कॉटेज जो है वो नुकसान देता है, वो बर्न हो जाता है और उस बर्न होने की वजह से हमारा एडेनियम जो है वो रूट रूट हो जाता है। तो ये सब बातें जो है, असल में एडेनियम का तजुर्बा बहुत जरूरी है, बिना एडेनियम के तजुर्बे के आप एडेनियम को प्लांट को आप रखेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। जब तक इसका वीडियो अच्छी तरीके से समझदार आदमी की, बहुत वीडियो पड़े हैं हमारे अलावा भी, बहुत लोग अच्छा इसका तजुर्बा रखते हैं, बहुत पुराने लोग हैं तो उनको
50-50 साल से उनके पास अडेनियम का वो काम कर रहे हैं और एक से एक अडेनियम उनके पास है। हमारे पास तो एक उनके हिसाब से एक जीरो के बराबर अडेनियम है। तो और जो लोग बेशुमार दिनों से 10-10, 20-20 साल से ये इस काम को कर रहे हैं अडेनियम के बारे में, वो नस नस से वाकिफ हैं इसका। हम तो अभी उनके बराबर भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमको भी काफी कुछ तजुर्बा हो चुका है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को के साथ शेयर करता हूं। तो इस तरीके से आप अपने अडेनियम की केयर करें या आप उसकी वीडियो देख लें किसी अच्छे जानकार आदमी से, और उसके हिसाब से आप अपने अडेनियम को के साथ करते रहें। कब फर्टिलाइजर देना है और कब उसकी इतनी धूप चाहिए उसको, समझे, ये कब शेड में रख दें उसको, कब क्या करना, बहरहाल वो सारी जानकारी आपको अच्छे तजुर्बेकार जो अडेनियमकार हैं उनके से ले सकते हैं और आप अपने अडेनियम पर काम कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।